तालिबान ने भारत के साथ मिलकर कर दिया ऐसा ऐलान, सुनने के बाद नहीं सोएगा पाकिस्तान, रुक जाएगा पाकिस्तान का पानी। तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन समुद्र में उतरेगा फ्रांस का 26 राफेल। दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तान ने अपने देश से तालिबानियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अब तालिबान ने भारत का साथ मांगा है और वह भारत के साथ मिलकर कुनार नदी पर बांध बनाने का बड़ा ऐलान कर चुका है। यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े झटके वाली खबर है। तालिबान ने इस बात का ऐलान खुद किया है, तालिबान कुनार नदी पर बांध बनाएगा। तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए भारत के साथ मिलकर बांध बनाने की बात कही। तभी तालिबान के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान सरकार बौखला गई और तुरंत तालिबान को धमकी देने पर उतर आई, और यहां तक कि पाकिस्तान ने तो तालिबान को जंग तक की धमकी दे डाली। जी हां, पाकिस्तान ने तालिबान को धमकी देते हुए कहा कि अगर तालिबान भारतीय कंपनी के साथ मिलकर कुनार बांध बनाता है तो इन दोनों देशों के बीच जंग की शुरुआत का पहला कदम माना जाएगा। हालांकि पाकिस्तान की इस धमकी पर तालिबान ने पाकिस्तान को कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से कई सारे अफगानी लोगों को निकाले जाने के बाद अफगानी लोगों ने अपनी सरकार से यह अपील की थी कि कुनार नदी पर बांध बनाया जाए, और अफगानी लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि वह तालिबान को पैसे भी देंगे ताकि वह कुनार नदी पर बांध बना सके और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सके। इसलिए अब तालिबान ने भारत से अनुरोध किया है और बताया है कि वो भारत के साथ इस प्रोजेक्ट पर बातचीत भी शुरू कर चुका है। तालिबान की ओर से इसे अंतिम मंजूरी दे दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि अफगानिस्तान की कुनार नदी का पानी बिना रोक टोक पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान इसका अच्छा खासा इस्तेमाल करता है। तालिबान से पहले भी अफगानिस्तान की सरकार भारत के साथ मिलकर इस पर बांध बनाना चाहती थी, लेकिन उस समय यह संभव नहीं हो पाया था। और पाकिस्तान अब इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि पाकिस्तान को यह डर है कि अगर अफगानिस्तान कुनार नदी पर बांध बनाने में सफल हो गया तो उसके यहां पानी आना बंद हो जाएगा और अफगानिस्तान जब चाहेगा वह पाकिस्तान को धमकाने के लिए पानी रोक देगा। और पाकिस्तान ने अफगानी भाइयों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया, ऐसे में पाकिस्तान के साथ यह बिल्कुल सही हो रहा है। अब आगे देखना यह होगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ और क्या कुछ करता है और कैसे भारत के साथ मिलकर उसे सबक सिखाता है। वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए राफेल फिर से भारत आ रहे हैं। दरअसल फ्रांस ने अब 26 समुद्री राफेल फाइटर जेट्स खरीदने के लिए टेंडर ओपन किया है, जिसके बाद अब अपने इस सौदे पर फ्रांस ने प्रतिक्रिया दी है। अब भारत और फ्रांस के बीच यह सौदा पूरा होगा और जल्द ही 26 राफेल फाइटर विमान भारत आएंगे। भारतीय नौसेना के बेड़े की ताकत बढ़ाने के लिए 26 राफेल एम फाइटर जेट का भारत आना सभी दुश्मन देशों के लिए एक जोरदार जवाब है, और यह संदेश भी है कि भारत फ्रांस की रक्षा साझेदारी अभी धीमी नहीं पड़ी है। अब फ्रांस ने भारतीय नौसेना के विमान वाहक INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के लिए 26 राफेल समुद्री फाइटर जेट खरीदने के लिए टेंडर ओपन कर दिया है, और भारत ने इस बारे में फ्रांस से बातचीत शुरू कर दी है, जिसके बाद अब जल्द ही दोनों देशों के बीच डील फाइनल होगी। और इसी सिलसिले में अब फ्रांस से एक टीम भारत आई है। अब भारतीय नौसेना और भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक मोड पे काम कर रही है कि यह डील जल्द से जल्द फाइनल हो सके। ऐसे में समुद्र पर चीन की बढ़ती हुई ताकत और चालबाजियों को रोकने के लिए अब दुनिया भर के देश लगे हैं, और अब इसी कड़ी में भारत के दोस्त फ्रांस ने भी बड़ा कदम उठाया है। इससे पहले भी चीन को जवाब देने के लिए फ्रांस ने भारत को 6 न्यूक्लियर सबमरीन देने का ऑफर दिया है, जो इस बात को दिखाता है कि कैसे भारत अब अपने हथियारों की क्षमता को बढ़ा रहा है। भारत के लिए चीनी जहाजों पर श्रीलंका ने लगाया बैन, दुश्मन के रडार को चकमा देने वाला युद्धबोध आ रहा। दोस्तों, चीन को सबक सिखाने में भारत के अलावा भारत के पड़ोसी देश भी अब पीछे नहीं रहे। जिस तरह से चीन ने भारत के पड़ोसी देशों को लोन दे देकर अपने कब्जे में किया है, उसके बाद भारत ने पड़ोसी देशों को ऐसा सपोर्ट किया कि अब श्रीलंका जैसे देश भी चीन को भयानक सबक सिखा रहे हैं। जी हां दोस्तों, भारत के लिए अब चीनी जहाजों पर श्रीलंका ने ऐसा बैन लगाया है जो चीन को भारी नुकसान पहुंचाएगा। इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे।
इसके अलावा अब दुश्मन के रडार को चकमा देने वाला युद्धपोत भारत आ रहा है। इंडियन नेवी की ताकत अब बढ़ने वाली है और चीन और पाकिस्तान जो साउथ इंडियन ओशियन में इलीगल तरीके से कुछ कुछ गतिविधियां करते रहते हैं, इंडियन नेवी की ताकत से उन सब को अब खत्म कर देगा भारत। इन दोनों खबरों को अब हम आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, अब श्रीलंका चीन को बड़ा झटका देते हुए भारत के हित में एक बड़ा फैसला करने जा रहा है। श्रीलंका अपने समुद्री क्षेत्र में विदेशी जासूसी जहाजों के संचालक पर 12 महीने की रोक लगाएगा। यानी कि चीन के रिसर्च और स्पाई जहाज अब पहले की तरह श्रीलंका के बंदरगाहों पर नहीं रुक पाएंगे। और कहा जा रहा है कि श्रीलंका यह फैसला चीन के रिसर्च और जासूसी जहाजों को अपने बंदरगाहों पर रुकने से रोकने के लिए कर रहा है। इस बारे में श्रीलंका ने बयान देते हुए कहा कि सरकार श्रीलंका के समुद्र या उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में विदेशी रिसर्च जहाजों पर एक साल की रोक लगाने पर विचार कर रही है। इन जहाजों का आना गंभीर राजनयिक तनाव पैदा करता है। 2024 में चुनाव भी होने वाले हैं और इस तरह के जहाजों का आना क्षेत्र और श्रीलंका के लिए बेहद विघटनकारी हो सकता है, क्योंकि सरकार दबाव में आ सकती है। इसलिए हम विचार कर रहे हैं कि इन पर एक साल या उससे भी ज्यादा समय के लिए रोक लगाई जाए। बता दें कि इस बात को लेकर पहले से ही भारत आपत्ति जताता आया है और इस वजह से दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव भी देखने को मिला है। अब इस बारे में श्रीलंका का कहना है कि वे अगले 12 महीनों तक अपनी रिसर्च क्षमताओं का विकास करेगा ताकि भविष्य में विदेशी रिसर्च अभियानों में सम्मान भागीदार के रूप में हिस्सा ले सके। इसी साल अक्टूबर में श्रीलंका ने चीन के एक खोजी जहाज को अपने एक बंदरगाह पर रुकने और रिसर्च करने की अनुमति दी थी, लेकिन चीन अपने जासूसी जहाज का खूब इस्तेमाल करता है और इनके जरिए श्रीलंका से लगने वाले दक्षिण भारत में रणनीतिक स्थान की जासूसी और मन्नार की खाड़ी में खनिजों की जासूसी इकट्ठा करता है। लेकिन अब श्रीलंका की भी आंखें खुल गई है और उसी वजह से उसने चीन के खिलाफ यह कड़ा फैसला लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना ने हाल ही में देश की पहली एंट्री शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया था और मिशन में मिसाइल ने अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। इसके साथ ही INS इम्फाल से पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करके नौसेना ने ताकत की एक और मिसाल पेश कर दी है। INS इम्फाल और ब्रह्मोस की ताकत का डबल अटैक दुश्मन को पस्त करने के लिए काफी था, लेकिन अब इसकी ताकत में और इजाफा होगा क्योंकि भारतीय नौसेना अब नए ताकतवर और आधुनिक INS इम्फाल को कमीशन कर सकती है। इसके समुद्री ट्रायल्स खत्म हो चुके हैं। यह मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और इसके शामिल होने से इंडियन नेवी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से रहो या फिर चीन की तरफ से आने वाले खतरे, यह हर तरह की मुश्किलों का सामना करने के लिए पहले से तैयार होगा।